देखिए, हम कभी ना कभी जरूर मार्केट गए होंगे और वहां से इस तरह की ट्यूबलाइट जरूर हमने खरीदी होगी जो होती है कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट या 22 वोल्ट की होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये 22 वोल्ट की, आपको दिखाई देगा जहाँ से आप देख सकते हो, इतने 22 वोल्ट का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है ये छोटी सी जो एलईडी बल्ब है ये कितने वोल्ट की होगी, इसका पता कैसे चलेगा कि कितने वोल्ट की होती है? हमें नहीं पता, हमें शायद लगता होगा 0. कुछ वोल्ट की होगी, 0 वोल्ट की होगी, है ना, या फिर हमें नहीं पता, आइडिया कुछ नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने वोल्ट की एलईडी ये बल्ब छोटी वाली कितने की होती है, ठीक है। तो चलिए देखते कितने, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जरूरत होगी इस मल्टीमीटर की, ठीक है, इसकी मल्टीमीटर की। और सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा सेल आप देख सकते हो, ये कितने वोल्ट का है इसको चेक करना होगा। देखो तो यहाँ पे मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूँ, इस तरीके से ये हमारा मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको ऑन कर दिया, आपके सामने देखो मैं इसको इस तरह रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको मेजर करूंगा कितने वोल्ट का है छोटा सा सेल, आप देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पे कितने का दिखा रहा है आप देख सकते हो, देख सकते हो कितना दिखा रहा है, ये 1.3, ठीक है, 1.5 वोल्ट समथिंग कुछ दिखा रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यानी 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, देख सकते हो। दूसरा हम लगा सकते हैं, ये भी देखो कितना दिखा रहा है, 1. ठीक है, यहाँ से मुझे स्क्रीन पर उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 1.4, ठीक है, 1.4 है, ये भी आप देख सकते हैं 1.4। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं, ये वाला भी चेक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 1.45 यहाँ पे आई थिंक, हाँ 1.4, यानी कि 1.5 वोल्ट का है। तो क्या इससे ये बल्ब जलेगा, देख सकते हैं, तो इससे बल्ब नहीं जलेगा, इसको घुमा के मैंने फिर लगा दिया, नहीं जलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो सेल को एक साथ रखता हूँ, छोटे छोटे दो सेल को मैंने एक साथ रख दिया, देखो इन दो छोटे सेल को मैंने एक साथ रख दिया, ठीक है। अब देखना, इनको एक साथ रख दिया, अब मुझे मेजर करना है कितने वोल्ट का होगा। सबसे पहले एक दूसरे को चिपका लेता हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और यहाँ रख दिया, और अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो कितना दिखा रहा है। दोनों सेल को मैंने इसके अंदर फंसा लिया, आप देख सकते हैं दो सेल है इसके अंदर, यहाँ से देख सकते हो दो सेल है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ वापस, ठीक है। अब मैं इसको मेजर करता हूँ कितना यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना दिखाई दे रहा है, टोटल यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है, टोटल कितनी रीडिंग आ रही है इसकी, 2.83, यानी कि 3 के आसपास हो चुकी है इसकी, ठीक है, 3 के आसपास पहुंच चुका है ये, ठीक है, 2.83 समथिंग दिखा रहा है, 3 के आसपास पहुंच चुका है ये। तो अगर मैं इसको जलाऊंगा इस छोटे से बल्ब को इस सेल की वजह से, क्या जल जाएगा? तो क्या चेक करते देख सकते हैं, तो अभी भी नहीं जला, इस एलईडी बल्ब को मैं घुमा के लगाता हूँ और देखिए जल चुका है, ठीक है, एलईडी बल्ब हमारा जल चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो एलईडी बल्ब है 3 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का, क्योंकि ये आप देख सकते हो 3 वोल्ट की जैसे इसकी पावर को सप्लाई मिलती है, जलना शुरू होता है। देखो अभी यहाँ पे मैं दो एलईडी बल्ब, यहाँ पे दो में सेल को इसको ज्वाइन करता हूँ आपस में, देख सकते हो इन दो सेल को मैं ज्वाइन करता हूँ और यहाँ मेजर करता हूँ कितना आएगा, आप देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे 2.85 समथिंग कुछ दिखा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि 3 वोल्ट के आसपास इसकी कैपेसिटी हो गई है, यानी सेल जो है 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, इसको जैसे लगाता है 3 वोल्ट बन जाता है। और इस बल्ब को हम इस छोटे से सेल की सहायता से जला सकते हैं, जैसे इसको लगाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यानी हमें चल गया है पता आज से कि जो एलईडी बल्ब है कितने वोल्ट की थी, 3 वोल्ट की होती है। मैं दुकान पे भी गया था, मैंने दुकान पे भी पूछा कितने वोल्ट की, उन्होंने खुद कहा कि छोटा सा जो एलईडी बल्ब है लगता है कि 0.2 में होगा या 1. समथिंग कुछ होगा, बट ये 3 वोल्ट की होती है। तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया सेल की मदद से।